नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस्लामाबाद जाएंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। सार्क सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जिंदा पकड़े गए आतंकियों की जानकारी करेंगे साझा। उत्तराखंड में रावत मंत्रिमंडल का विस्तार। भंडारी और नवप्रभात बने मंत्री। सुरेंद्र राकेश के निधन और हरक सिंह रावत के इस्तीफे से खाली हुई थी दो सीटें। एनआईए की पूछताछ में टूट गया नौगाम एनकाउंटर का बहादुर। कहा, लश्कर का आतंकी हूं, लाहौर है घर। केंद्रीय मंत्री बोले, भारत में सभी आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ। बिहार में नीतीश के शराब नीति का महागठबंधन के विधायक ही कर रहे हैं विरोध। शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होगा शराबबंदी विधेयक। विधायकों ने मनमानी का लगाया आरोप। और पहलवान सुशील कुमार के कोच सतपाल ने नरसिंह यादव का नार्को टेस्ट कराने की दी सलाह। कहा, जरूरत पड़ी तो खुद का नार्को टेस्ट करवाने को तैयार। कर सकते हैं मानहानि का दावा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। विकास नगर विधायक नव प्रभात और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी रावत मंत्रिमंडल के नए सदस्य बने हैं। गुरुवार को राजभवन में दोनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों विधायकों के अनुभव का लाभ राज्य को मिलेगा। दोनों ही वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सूत्रों के अनुसार आज शाम तक मुख्यमंत्री मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा भी कर सकते हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र राकेश के निधन और हरक सिंह रावत के इस्तीफे के बाद राज्य मंत्रिमंडल में दो सीटें खाली हुई थी। मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों सीटों पर गढ़वाल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने का संकेत पहले ही दे चुके थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 3 और 4 अगस्त को होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। गौरतलब है कि गृह मंत्री का ये दौरा तब और अहम हो जाता है जब कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से काफी उकसाने वाली बयान आ रहे हैं। भारत इस सम्मेलन में इसलिए भी हिस्सा ले रहा है क्योंकि अगर एक भी सदस्य इस बैठक में मौजूद नहीं होता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान को ऐसी कोई वजह हाथ में दी जाए और पड़ोसी देश को भारत की गंभीरता पर सवाल उठाने का मौका मिले। जानकारी के मुताबिक भारत इस बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को उठाने वाला है ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। सार्क बैठक में भारत जिंदा पकड़े गए आतंकियों की जानकारी भी साझा करेगा। बिहार में नई शराब नीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वाले विपक्षी दलों के नेता नहीं बल्कि उनके महागठबंधन के विधायक हैं। पिछले साल नवंबर में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार को पहली बार अपने विधायकों की तरफ से विरोध के स्वर झेलने को मिल रहे हैं। शुक्रवार से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। कैबिनेट में जब इस पर चर्चा हुई थी तब नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके कैबिनेट के सदस्य इस मुद्दे पर उनके विचार से सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मनाकर इसे पास करा लिया। पिछले दिनों सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर के नौगाम से गिरफ्तार सैफुल्ला बहादुर अली ने कबूल किया है कि वह लश्कर का आतंकी है। गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उसे दिल्ली लेकर आई, जहां उसने कई अहम खुलासे किए। बताया जाता है कि पूछताछ में बहादुर अली ने साफ शब्दों में कहा कि वह सीमा पार से आया है और लाहौर का रहने वाला है। उसने अपनी उम्र 21 साल बताई है। उसे पूछताछ अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये साफ हो चुका है। इसके स्पष्ट सबूत भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा, अब तक पकड़े जाने पर आतंकवादी भी खुद ही बता देते हैं कि उन्हें ISI ने भेजा है। नरसिंह यादव के डोप टेस्ट से जुड़े विवाद में पहलवान सुशील कुमार का नाम सामने आने के बाद उनके कोच सतपाल सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नरसिंह यादव ने सुशील पर साजिश के जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। नरसिंह को नार्को किया जाना चाहिए। सतपाल ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए नरसिंह यादव का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह खुद भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। सुशील के कोच ने कहा कि नरसिंह उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि मुझे डोपिंग के रिजल्ट के बारे में पहले से पता था। उन्होंने कहा कि वो नरसिंह के खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने GST संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को मंजूरी दे दी है। राज्य को 1% अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है और GST लागू होने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी जाएगी।
ये भी प्रावधान किया जाएगा कि जीएसटी लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद में मामला जाए और वही फैसला करे। इस परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के नुमाइंदे होंगे। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल पर सहमति बनाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं से कई दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है। अब बिल का अंतिम खाका तैयार करने के लिए वित्त मंत्री इस हफ्ते लेफ्ट नेताओं के साथ साथ छोटे दलों से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा ने कल कपाल और लोकायुक्त संशोधन बिल 2016 बिना चर्चा के पास कर दिया। सरकार ने कहा कि इस बिल को तुरंत पास की जाने की आवश्यकता है क्योंकि हर पब्लिक सर्वेंट को अपनी वार्षिक संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करनी है और 31 जुलाई तक ये करना जरूरी है, इसलिए इस बिल पास किए जाने की जरूरत है। जब कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन को ये आश्वासन दिया कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से ये बिल ला रही है, तो सदन में ध्वनि मत से इस बिल को पास कर दिया गया। सरकार की कोशिश यही है कि राज्यसभा में इस बिल को आज ही पास करवा ले। विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 13 बैंकों पर 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक भी शामिल है। इसके अलावा SBI और ICICI बैंक सहित 8 अन्य को इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से मिली जानकारी के आधार पर रिजर्व बैंक ने अक्टूबर नवंबर 2015 में 21 बैंकों में धन बाहर भेजने की जांच की थी। केंद्रीय बैंक ने कल जारी बयान में कहा कि उसने 13 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।